दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा आर्डर जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है CHO कैंडिडेट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं सभी अपडेट को, वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि यहाँ स्क्रीन में देख पाएंगे दोस्तों, ये दिनांक जो है 22/11/2023 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है और ये है आर्डर क्रमांक, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और प्रति जो देखेंगे तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खंडवा, धार, बड़वानी, सागर, छिंदवाड़ा, कटनी, खरगोन, बैतूल, अलीराजपुर, मंडला, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, झाबुआ, शिवपुरी, रायसेन, अशोकनगर, दमोह, सतना, सीहोर इत्यादि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जारी किया गया है CMHO को और CHO के लिए। और विषय में क्या बताया दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर संस्था याचिका क्रमांक जो है ये है, और जो कैंडिडेट हैं मनीषा चौहान, उसके अलावा अन्य जो कैंडिडेट हैं। दिनांक की बात करें तो 14/3/2023 को पारित आदेश के परिपेक्ष में विभिन्न जिलों में कार्यरत 53 कम्युनिटी हेल्थ अफसर प्रशिक्षु को आगामी आदेश तक ज्वाइन कराने के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 53 कम्युनिटी हेल्थ अफसर थे पुराने वाले, उनके लिए यहाँ पे जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, तो इसको आप लोगों को आगे देख लेते हैं क्या अपडेट है। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें दोस्तों, यदि कोई कैंडिडेट आपके ज़िले से ऑलरेडी ज्वाइन है और उसके पास कुछ अपडेट है तो, ताकि उस तक ये अपडेट पहुँच जाए। संदर्भ में देख पाएंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आदेश क्रमांक NHM HWC 2023/243 भोपाल दिनांक 9/1/2023 माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के प्रकरण क्रमांक मनीषा चौहान एवं अन्य जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके लिए 14/3/2023 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें क्या बताया है, माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 53/22/2023 मनीषा चौहान एवं अन्य जो भी कैंडिडेट हैं CHO के मध्य प्रदेश के राज्य के अंतर्गत पारित अंतिम निर्णय जो 14/3/2023 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार आपके ज़िले में कार्यरत CHO जो प्रशिक्षु दोस्तों जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है उसके परिपालन की कार्यवाही के अधो हस्ताक्षरकर्ता के अविलंब अवगत कराना सुनिश्चित करें। और यहाँ दोस्तों सभी जो कार्यपालक अधिकारी हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, जैसे कि आप देख पाएंगे उनके लिए एक प्रतिलिपि जारी की गई है, पालनार्थ बताया गया है। और यहाँ पे देख पाएंगे जो कैंडिडेट हैं उन सभी का नाम दिया गया है, आप देख पाएंगे कैंडिडेट का इसके अंतर्गत नाम दिया है और क्रमांक है। जैसे फर्स्ट में देखेंगे संगीता मीणा है जो कि धार जिला के अंतर्गत है, उसके बाद है हेमा मुवेल हैं, ये भी धार हैं, अंकिता जोशी धार हैं, इसके बाद भावना मुवेल हैं धार हैं, इसके बाद है साधना मुनिया हैं धार हैं, फिर इसके बाद पार्वती जमरे हैं जो कि जिला खंडवा के अंतर्गत है, वंदना मसरे है जिला खंडवा के अंतर्गत, पुष्पा डाटा राव शंकरलाल खंडवा के अंतर्गत है, मनीषा चौहान श्री रामेश्वर चौहान जिला खंडवा के अंतर्गत है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे सरिता चौहान है, बच्चू डुडवे है, रमिया मौर्य, रीना योगी है, शांति सोलंकी है, तरका खरते है, काजोल जेम्स है, आरती पवार, शीला मुनिया है, अनीता मेढ़ा है गुड्डी। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे इधर लेफ्ट साइड में सभी ज़िले का नाम दिया गया है, जैसे कि खरगोन है, झाबुआ है, बड़वानी है, बुरहानपुर है, इन सभी के अंतर्गत नाम भी दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। बुरहानपुर है, बैतूल है, कटनी है, मंडला है, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, रायसेन, सागर, सतना, दमोह, नरसिंहपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर इत्यादि के अंतर्गत यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आगे अब दोस्तों यहाँ पे और जो देखेंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में, तो और डिटेल यहाँ पे दी गई है जो कि बिटवीन में दिया गया है। सबसे फर्स्ट में नाम देखेंगे मनीषा चौहान, डॉटर ऑफ श्री रामेश्वर चौहान, और यहाँ पर दोस्तों एज दिया गया है, एकुपेशन और सारी चीज़ें जो बताई गई है, ब्लॉक के अंतर्गत कहाँ पे पोस्टिंग है ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे संगीता मैंडा है, फिर गीता है, हेमा है, मंजी है, दोस्तों यहाँ पे इस तरह से नाम दिए गए हैं, यदि क्लियर ना आए तो आप पहले देख पाएंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया था। सभी का जो ये कोर्ट के द्वारा आर्डर में नाम जारी किया गया है इत्यादि दिया गया है, और इन दोस्तों के लिए है, ये उन दोस्तों के लिए हैं जिनको दोस्तों ये नोटिफिकेशन दोस्तों उन दोस्तों के लिए हैं जो शायद एक बार में पास नहीं हो पाए थे CHO को जो एग्ज़ाम वगैरह दिए थे उनके लिए है। तो यहाँ पे अपडेट जो है नोटिफिकेशन है सब कुछ बताया गया है, आगे एक वीडियो में भी बात करेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो ये ऑर्डर है
आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, ये जो ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया है, यहाँ पे सब बताया गया है। ऑर्डर में क्या बताया है, बाई द इंसिडेंट पिटीशन पिटिशनर एंड चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड जो 9/1/2023 को जारी किया गया, विच देयर सर्विसेज हैव बीन डिस्पेंडेंट विथ इट सबमिटेड बाई काउंसिल फॉर द पिटिशन दैट पिटिशनर हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ अफसर इन टर्म एज पर द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट दे हैव टू एक्वायर द सर्टिफिकेट फॉर विच दे हैव बीन प्रोवाइडेड टू अटैम्प्ट बट इन दोज टू अटैम्प्ट दे कुड नॉट सक्सीड कंसिक्वेंटली इन ऑर्डर डेट 2023 हैज़ बीन पास्ड प्रोपोजिंग देयर रिमूवल एज द कुड नॉट रिक्वायर द सेट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट थे दो अटैम्प्ट आप लोगों को दिया जाता है, यदि आप दो बार में पास नहीं कर पाते हैं CHO का जो मेन एग्ज़ाम है तो उस दौरान दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इन कैंडिडेट ने कोर्ट में चैलेंजिंग किया था जिसकी वजह से कोर्ट ने इनको ज्वाइनिंग के लिए फिर से ऑर्डर जारी किया है और इन दोस्तों को फिर से ज्वाइनिंग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और आगे और अपडेट है तो उसको भी दिखा देते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें दोस्तों, ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहे, क्योंकि CHO के जितने भी अपडेट हैं MP NHM के द्वारा यहाँ अक्सर अपडेट आते रहते हैं और आपको यहाँ से मिलता रहता है सबसे पहले। चलिए एक और नोटिफिकेशन है तो उसको भी देख लेते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें। तो दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे ये भी जो नोटिफिकेशन है आर्डर है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और ये नोटिफिकेशन हिंदी में जारी किया गया है। दिनांक की बात करें तो 24/11/2023 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया गया है। और यहां पे क्या बताया है, विषय में माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमांक जो है 53/22/2023 के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे ये कैंडिडेट को वहाँ सुनवाई के लिए बुलाया गया है। विषय के अंतर्गत क्या बताया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक NHM SWC 243 भोपाल दिनांक 9/1/2023 के द्वारा निर्धारित प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण अपने मूल पद स्थापना से कार्य मुक्त किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में याचिका क्रमांक में जो याचिका लगाई गई थी शालिनी जैन एवं अन्य जितने भी दाखिल किए गए थे कैंडिडेट के द्वारा, और आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर न्यायालयीन प्रकरण में संबंध में आपकी व्यक्तिगत प्रशासकीय सुनवाई अधो हस्ताक्षर कर दिनांक 12/12/2023 2:30 PM की नियत की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे दिनांक 12/12/2023 को सभी कैंडिडेट को उपस्थित होना रहेगा जो कि सुनवाई के लिए जाना रहेगा, अतः आप समस्त दस्तावेज एवं साक्ष्य सहित नियत दिनांक को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सुनवाई में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार परिपेक्षी कार्यवाही की जा कर विधि अनुसार योग्य आदेश पारित किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग यहां पर नहीं जाएंगे तो आपके अग्निस्ट में कार्यवाही की जाएगी, तो ये लोग आप देख पाएंगे। और यहाँ पर जो नाम दोस्तों देख पाएंगे, सबसे फर्स्ट में देखेंगे संगीता मेरा पिता का नाम है यहाँ पे, और ये सारा अपडेट है नोटिफिकेशन है दिनांक जो है 12/12/2023 को 3:30 PM तक टाइम जो नियत की गई है, और इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे हेमा मोबाइल है और इनको भी सेम डेट दी गई है 12/12/2023, और यहाँ पे इन्होंने दो बार उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं जो कि एग्ज़ाम थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पर सरिता चौहान है, इनको भी 12/12/2023 को बुलाया गया है 3:30 PM। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे है किरण जाधव का, और इनको भी 12/12/2023 को 3:30 PM में 3:30 PM बुलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे चंदा मोरे का है, और इनको भी दिनांक 12/12/2023 को बुलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे भावना परमार का है, 12/12/2023 को 3:30 PM बुलाया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पर अंकिता जोशी है, फिर इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे काजोल जेम्स हैं, नेक्स्ट नाम यहाँ पे अनीता है, इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे दोस्तों ललिता है, नेक्स्ट नाम यहाँ पे गुड्डी है, नेक्स्ट नाम यहाँ पे महेश है, और दिनांक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 12/12/2023 को सभी को बुलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे भावना है, और 12/12/2023 को आपको भी बुलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे साधना है, और 3:30 PM बुलाया गया है 12/12/2023 को। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे संतोष कटारे है,
इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे लक्ष्मी तिलगान है, नेक्स्ट नाम यहाँ पे लक्ष्मी तिलगाम है, और 12/12/2023 को 3:30 बजे बुलाया गया है आपको। इसके बाद नेक्स्ट नाम है यहाँ पे आरती पवार, पिता श्री भैयालाल पवार है, और आपको भी 12/12/2023 को 3:30 बजे बुलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम है यहाँ पे सोनू है, इत्यादि कैंडिडेट को दोस्तों बुलाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को 12/12/2023 को 3:30 बजे तक वहाँ पे उपस्थित होना है कोर्ट के समक्ष, और जो भी सुनवाई है निर्णय लिया जाएगा उसको आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर, बाय।